डोसा, सादा डोसा, अप्पम, इडली, वड़ा, मसाला डोसा, उत्तप्पा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे और मैं उठ गया हूँ, उठ के थोड़ा फ्रेश हुआ। तो आज का दिन हमारा रेस्ट का है। अभी मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश हुआ वर्कआउट वगैरह करके, और अभी निकल रहा हूँ बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, नियर बाई एयरपोर्ट है, तो देखते हैं बाहर निकल के क्या है। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और नीचे देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट मिल जाए, उसके बाद में क्या देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल लिए मैम, यस। गाइस, हमने अभी उत्तप्पा ऑर्डर किया है, तो यहाँ का हमेशा से खाते, जो 7 दिन से 8 दिन से खाते आ रहे हैं वही। सो व्हाट्सअप व्हाट्सअप, अभी बज रहा 2:30 और अभी ब्रेकफास्ट करके आने के बाद थोड़ा काम किया, काम करने और थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद अभी लग गई है भूख, और तो नियर बाई सर्च मारा कोई रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे तोड़ी भी मिलता है। यू नो तोड़ी, तोड़ी मीन्स कभी कभी कहीं कहीं पे ताड़ी भी बोलते हैं, तो यहाँ का देखते हैं, यहाँ का ताड़ी ट्राई करते हैं। और डिफरेंट ये है तोड़ी या ताड़ी में, आई थिंक कि जो ताड़ी बोलते हैं वो तार बोलते हैं उसका निकलता है, और जो तोड़ी बोलते हैं आई थिंक कि नारियल का बनता है, नारियल के इसमें से निकलता है। तो पता नहीं, वो तो मैं एक्सपीरियंस करके ही बताऊंगा आपको, पीने के बाद ही बता सकता हूँ कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लग रहा था, कैसा क्या है। तो अभी जा रहा हूँ लंच करने। तो गाइस, अभी निकल चुके हैं लंच के लिए और बस रोड पे चल के जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नेट पे सर्च मारा, तो यहाँ पे कुछ एक पॉपुलर तोड़ी का शॉप हमें दिखा, और खाने पीने का भी मिलेगा वहाँ पे। तो देखो वहाँ पे ट्राई करते हैं तोड़ी। और यहाँ का हम लोग एयरपोर्ट के नियर बाई होटल इसके लिए लिया कि हमने सोचा कि 2 दिन यहाँ पे चिल आउट करेंगे। कल तो हम लोग लेट आए, 9 बजे आए, और आज दिन भर, उसके बाद हम इवनिंग में रात को 11-12 बजे तक निकल जाएंगे चेकआउट करके। तो पहले तो प्लान था ये था कि हम लोग जैसे एर्नाकुलम टाउन में आएंगे कन्याकुमारी से, तो वहाँ से टाउन में एक अच्छा वाला होटल बुक करेंगे, फिर वहाँ पे चिल आउट करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर दूसरे दिन एक सामान रखने के लिए एक छोटा सा 500-600 वाला रूम लेते थे, फिर वहाँ पे सामान रखते थे, फिर एक्सप्लोर करते थे कोची को, और इसके बाद हम निकल जाते डायरेक्ट रात को एयरपोर्ट के लिए। लेकिन प्लान में कुछ चेंजेस आ गया, अभी हम लोग होटल सर्च अप कर रहे थे, तो हम लोग को 500 में पर नाइट का मिल गया, तो हम लोग ने 2 दिन के लिए 1000 रुपये में रूम बुक कर लिया वहीं का होम स्टे। बट यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं है, नियर बाई एयरपोर्ट है, इसके लिए आजू बाजू ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस हम लोग रूम में ही सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, फिर अभी लंच के लिए जा रहे हैं, और देखते फिर शाम को डिनर वगैरह करके फिर निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो गाइस, अभी हम रोड पे चल रहा हूँ और अभी तक रेस्टोरेंट आया नहीं, यहाँ से हमारे जो होम स्टे था वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो अभी चल रहे हैं, अभी और 500 मीटर बाकी है। तो भूख तो बहुत लगी है, तो अभी चला जा रहा है, लेकिन सबर का फल मीठा होता है बोलते हैं हिंदी में कहावत एक, लेकिन मीठा जब होगा तब होगा जब वो रेस्टोरेंट खुला रहेगा, अगर रेस्टोरेंट नहीं खुला रहा तो जो सबर का फल मीठा होता है ना वो बहुत कड़वा और खट्टा हो जाएगा। तो चलो चल रहे।
गाइस अभी पेट भर गया है, पूरा लंच किया। तो लोकल लंच है, मींस मोटा मोटा राइस रहता है और फिश फ्राई, जो गाउटी स्टाइल का फिश फ्राई रहता है वो था, और चिकन था गाउटी स्टाइल का। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस लंच का अच्छा था। और इसके बाद हम लोगों ने तोड़ी ट्राई किया, जैसे कि दिखाया मैंने आपको, थोड़ी ट्राई किया। थोड़ी भी ऑलमोस्ट मैंने पिया हूँ ताड़ी, लेकिन थोड़ी भी सेम ही था, वैसे ही थोड़ा सा खट्टा लग रहा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि आपको पता है, केरला मसालों और आयुर्वेदिक के लिए बहुत ही पॉपुलर स्टेट है इंडिया का। तो मैं आ गया हूँ एक ऐसे शॉप में जहाँ पर आयुर्वेदिक और मसालों का ऑर्गेनिक शॉप है, और ये एयरपोर्ट से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप केरला विजिट कर रहे हो तो ये स्टोर विजिट करना भूलना मत, बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनिक, सब कुछ ऑर्गेनिक मिलने वाला है आपको। तो आ गया हूँ मैं स्टोर के अंदर, और स्टोर के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रीमियम टी और मुनार स्पेशल लेमन टी, मतलब टी के बहुत सारे वैरायटीज आपको मिल जाते हैं, जो कि पूरा ऑर्गेनिक और ऑथेंटिकेट होगा। मसालेज में आपको ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस मिल जाएंगे, यह पूरा ऑर्गेनिक है। आपको पता ही है कि केरला मसालों के लिए फेमस स्टेट है इंडिया का। ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस है यहाँ पे, ऑल टाइप ऑफ स्पाइसेस, और पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा फार्म टू, और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है फार्म टू डायरेक्ट कस्टमर। और इतना ही नहीं, इनके पास जो मेन कॉन्सेप्ट है चॉकलेट का भी है, तो देख सकते हैं मेन। केला आ रहा है तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, विजिट करके टेस्ट करें और ख़ुद से चेक करके तब आप ले सकते हैं। और मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो पूरे स्टोर के मैनेजर है, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हाय, वेलकम ब्लॉगर्स, दिस इज अल्विन थॉमस, कंसेप्ट क्रिएटर वॉइस ग्रैंडर। सो आवर कंसेप्ट इज सिंपल, वी वांट टू सर्व ए गुड फूड सिस्टम, ऑर्गेनिक, विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। वी वांट टू सेल फूड इंग्रेडिएंट्स फार्मर्स टू कस्टमर। वी आर जस्ट अ मीडिएटर, वी जस्ट मेक अ शो अप एंड वी डिस्प्ले द आइटम्स एंड वी जस्ट सेल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्मर टू कस्टमर। थैंक यू सिंबल, थैंक यू सो मच। Came from Iraq. They are known as Mar Sabor Marafo. They are bishops. They came here and approached one local Brahmin leader. He argued with them, and these priests succeeded in their argument. And Brahmins are satisfied with their argument, they have given some place for constructing this church in 1195 years. This place was known as Meikav, that some cow, there is a ancient worship place of Hinduism. They have given this place, and then just like they just in that manner they have constructed this. Now this church is
you know, very, very, very old church in the Christian denomination, Christian community. तो हेलो गाइस, अभी बज रहे 9 रात के और हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, और पैकिंग करने के बाद थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा मूवीज़ देखेंगे, और निकलने वाले हम लोग 12 बजे, बिकॉज़ फ्लाइट है हमारा 4:45 का, और चेक इन करेंगे और वहाँ के लाउंज में बैठेंगे। अभी 9 बज रहे और हम लोग जस्ट बाहर गए थे थोड़ा सूट पे, और वो जस्ट फ्री सूट था, हम लोग जस्ट प्रैक्टिस के लिए गए थे, और अभी आधा घंटा पहले ही आए और पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो हम लोग पहले सुपरमार्केट से एक मैगी और थोड़ा स्नैक्स शॉपिंग कर लिया था, वही खाएंगे और निकलेंगे। ये ट्रिप हमारा केरला का ही लास्ट होगा, उसके बाद में हम मुंबई में लैंड करेंगे, और फिर हम मुंबई मेरी जान। तो घर के लिए लौट रहे अभी 10 दिनों के लंबी सफ़र के बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 3 बजे और हम मुंबई के लिए निकल पड़े, और चलो फिर जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। 5:45 का फ्लाइट है, तो 2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा कि नहीं घर जाने के लिए। चलो लेट्स गो।